हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से ब्लॉक ए लाइक ए ब्लॉक बी पुश मोमेंटली अलोंग द हॉरिजॉन्टल सरफेस विद इनिशियल स्पीड वी इफ म्यू वी इज द कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन बिटवीन बी एंड द ब्लॉक एंड द सरफेस। द ब्लॉक बी कम्स टू द रेस्ट आफ्टर अ टाइम एंड आवर ऑप्शन आर ऑप्शन ए जी म्यू बाई वी, बी जी बाई वी, सी वी बाई जी एंड डी वी बाई म्यू जी। सो द की कॉन्सेप्ट used here, that is frictional force, right? Frictional force, and we know frictional force कब लगता है, जब हमारे पास relative motion आता है दो body के बीच में, right? तो यहाँ पे हमारा body रखा हुआ है किसी surface पे, right? ये body भी हुआ and ये initially v से move कर रहा था, right? तो बताना ये कि like पहले तो यहाँ पे देखना होगा कि friction कैसे लग रहा होगा, right? Relative motion है एंड फ्रिक्शन का क्या क्या होता है कि रिलेटिव मोशन को रोकना या अपोज करता है उसे, राइट? या टेंडेंसी टू स्टॉप द रिलेटिव मोशन, राइट? यानी उस रिलेटिव मोशन स्टार्ट होने की या फिर उसे रोकने की काम करता है, राइट? ये फ्रिक्शन फोर्स का काम होता है। तो ये एंटी एक्ट कहाँ करता है, राइट? ये अपोजिट टू द मोशन ऑफ लाइक मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट लगता है, राइट? तो ये ऑब्जेक्ट आगे की ओर मूव कर रहा है तो इस पर पीछे की ओर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, राइट? ताकि ये धीरे धीरे स्लो डाउन करके जीरो हो जाए एंड जो रिलेटिव मोशन है वो क्या हो जाए, रुक जाए, राइट? तो एफ लगेगा, एफ क्या हो जाएगा, वी नो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू इनटू एमजी के इक्वल होता है, तो ये होगा, राइट? तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे क्यों लगेगा, ये वी से आगे क्यों मूव करता है, तो कुछ देर के बाद क्या करेगा, यहाँ पे आके ये रुक गया, राइट? सो यहाँ पे आके रुक गया, तो ये हमें टाइम बताना है कितने टाइम के बाद ये आके रुक गया, तो ये टाइम निकालना है t इक्वल टू क्या होगा, राइट? सो क्वेश्चन में गिवन क्या, इनिशियल स्पीड पता है, राइट? u इक्वल टू v दे रखा है, राइट? फाइनल स्पीड पता है, दैट इज इक्वल टू 0 है, है ना? दैट इज राइट, फाइनल स्पीड 0, एक्सप्रेशन हमें पता है, राइट? फोर्स पता है म्यू एम जी, तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, म्यू इंटू जी हो जाएगा, राइट? सो हम v इक्वल टू यू प्लस एटी यूज करके हम निकाल सकते हैं, है ना? तो यहाँ से v क्या हो जाएगा, 0, u क्या हो गया, दैट इज v, एक्सेशन क्या होगा, अपोजिट टू द मोशन, तो यहाँ पे हम माइनस म्यू जी लिखेंगे, राइट? इंटू टी, तो यहाँ से जो टाइम आ जाएगा डेट इज इक्वल टू वी अपॉन म्यू जी, राइट? तो इतने टाइम के बाद ये क्या हो जाएगा, ब्लॉक रुक जाएगा, राइट? सो द आवर फाइनल आंसर इज डेट इज ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।